पजल आई थी, उससे कम से कम 8-10 क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा अपने एसआईयू सीआईयू ये ज्यादा थे। टेस्ट तो नॉर्मल सा था, उसमें जैसे एरर हो गया आपका, पैसेज हो गया। क्यूआर कोड में क्यू का मतलब क्या होता है? दूसरा युद्ध आया था, हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का केवल सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आज है 21 जनवरी और एफसीआईयूजी थर्ड जो कि फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम लगभग खत्म हो चुका है, चलिए कैंडिडेट से डायरेक्ट बात करते हैं किस लेवल का एग्जाम आया, उन्होंने कैसे एग्जाम को हल किया, आइए चलिए बात करते हैं। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 78। लेवल कैसा लगा एग्जाम का? लेवल तो ठीक था, मॉडरेट ही था, मतलब ना इजी था ना हार्ड था, लेकिन क्या टाइम कम पड़ गया, रीजनिंग थोड़ी सी हार्ड थी। मतलब सर जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जीके में अटल सुरंग से आया था, अटल सुरंग कहाँ पे है? और क्यूआर कोड में क्यू का मतलब क्या होता है? क्यूआर कोड में क्यू का मतलब क्या होता है, ये आया था क्वेश्चन। और अब एकदम क्या एकदम से याद नहीं आता ना, करंट अफेयर से आया था कि क्या कहते हैं अम्बेडकर साहब पे कोई सी बुक लिखी गई है तो वो किसने लिखी है। सर मैथ में कितना क्वेश्चन याद आ रहा है? मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन ज्यादा था सबसे ज्यादा, उसके बाद और बाकी फिर एक दो क्वेश्चन तो ये क्या कहते हैं प्रॉफिट लॉस और उससे भी थे इंटरेस्ट वगैरह से, नहीं एलसीएम एससीएफ पे एक भी क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम था, एक दो क्वेश्चन थे शायद। रीजनिंग में एक वो आया था क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट ही, मतलब एक पजल आई थी, उससे कम से कम 8-10 क्वेश्चन थे एक ही पजल से। और सर ब्लड रिलेशन का नहीं था कोई क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग का एक दो क्वेश्चन थे, वो भी उन्होंने फॉर्मेट दे रखा था एक, तो उसमें से देख के करना है। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं था। और इंग्लिश में क्या आया? इंग्लिश में तो वो क्या कहते हैं एक तो पैसेज आया था और कुछ सिनोनिम्स नेम्स आए थे, बाकी और पैसेज से ज्यादा क्वेश्चन थे, 5-7 क्वेश्चन थे पैसेज से। सर आपके हिसाब से कितना कट ऑफ बन सकता है? अब कुछ कह नहीं सकते यार कट ऑफ का, तो वो तो ऊपर स्टूडेंट ऊपर है। अब अगले दिन एग्जाम में आपने क्या बताना चाहेंगे? प्रैक्टिस करके आइए बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। बता दीजिए किससे ज्यादा आ रहा है टॉपिक रीजनिंग में, तो पजल से मैं बोल रहा हूँ 8-10 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से आए, पजल एक था, एक ही पजल था और 8-10 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे उसके। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन 10-12 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। करंट अफेयर कितना पुराना आ रहा है? करंट अफेयर एक तो क्वेश्चन तो 2023 के ही थे, अभी जनवरी के, और बाकी तो फिर मुझे नहीं याद है करंट अफेयर। सर आपका बहुत धन्यवाद। सर मैंने 70 करे। 70 सर लेवल कैसा लगा? लेवल बहुत हार्ड है, मतलब हाँ शिफ्ट का बहुत हार्ड था। जीके सर कैसी थी? जीके नॉर्मली आया था, कुछ भूगोल आया था, मतलब जीके का क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जीके में जैसे अपना संविधान भी पूछ दिया था, अभी द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछ दिया था, फिर उसके बाद अपना करंट है सर। करेंट में तो अपने जो मतलब जो भी कुछ द्रौपदी मुर्मू ने किया था कुछ, और कुछ अपनी जो योजनाएं थी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हिस्ट्री से अपने जो करंट आरडीबी का जो मतलब आरडीबी का जो भी इतिहास वगैरह है वो सब पूछा था। हाँ एनसीईआरटी के 8th क्लास के। अच्छा, उसमें भूगोल लेवल का भी एक दो क्वेश्चन आए थे। संविधान आर्टिकल आ रहा है? संविधान में कुछ एक दो आए थे। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के भी कुछ दिए थे। भूगोल से? भूगोल से एक दो दिए थे, एक दो थे। उसके बाद सर मैथ, मैथ किस टॉपिक से आ रहा है? मैथ में सबसे ज्यादा अपना एसआई सीआई और लाभ हानि वगैरह सिंप्लीफिकेशन आए थे, लेकिन कम थे, मतलब 2-4 की क्वांटिटी। सबसे ज्यादा इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा अपने एसआई और सीआई हुई है ज्यादा थे, परसेंटेज बेस पे था। रीजनिंग में? रीजनिंग में अपने कथन निष्कर्ष सबसे ज्यादा आए हैं। पजल? प्रजल तो बस एक ही दी थी, चार्ट वाली। फिर उसके बाद अपने ये कुछ भी नहीं आया, एक ही जो अपने मतलब कथन ने, क्या बोलते हैं उसको, सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसके दो क्वेश्चन आए थे। रिकॉर्डिंग थी? नहीं। ये कुछ भी नहीं था, दो क्वेश्चन आए थे वही सिटिंग अरेंजमेंट से, उनमें से ही मतलब कहते 15 करीबन अपने मतलब क्वेश्चन हो गए थे उसी में, ए बी पी क्यू ऐसे करके। सर अब इंग्लिश में बताइए। इंग्लिश में तो अपना नॉर्मल ही था, जो भी एरर्स वगैरह हो रही है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स? हाँ ये सर। एक्टिव पैसिव आए थे? एक्टिव पैसिव भी आए थे कुछ, मतलब टेंस आए थे उसको करेक्ट करने के लिए। मॉडल वर्ब आया था? मॉडल वर्ब भी एक कुछ था, मतलब नाउन एडजेक्टिव ऐसा कुछ आ रहा है? नाउन में तो नहीं, बस वही आया था कि सेंटेंस है उसको क्लियर, मतलब सही कौन सा है। सर जो आपका पैराग्राफ आया था क्या था, सरल था कठिन था? पैराग्राफ तो मतलब इजी आ रहा है पढ़ने में, फिर उसमें से ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से पढ़ के फिर इधर से करेक्ट करना है। सर जिन लोगों का आगे एग्जाम आप उन्हें क्या बताना चाहिए? उन लोगों को बस यही करेंगे कि अच्छे से प्रेपर करें, मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, और अपना जो भी जीके है जीके भी मतलब नॉर्मल पढ़े, लेकिन जो अपनी रीजनिंग में अपना सिटिंग अरेंजमेंट बहुत प्यार से करें, बहुत ज्यादा हार्ड करें। प्रजल भी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं, 15 मिनट का टाइम कम निकल जाएगा, समय ही नहीं मिलेगा। और मैथ में अगर बोलेंगे तो हम बस वही करें, मतलब अपना एसआई वगैरह और जो भी अर्थशास्त्र, हाँ ये सब। ये करंट कितना पढ़ लें? करंट आपका 8th की जो भी बुक्स है ना एनसीईआरटी की पूरी रट दे, बस इसी में से, और हल्का आ रहा है, मतलब
कि सर करंट अफेयर कितना पुराना लग रहा है आपको? ये मतलब पूछ बुक्स का भी पूछ दे रहे हैं, जैसे लेखक भी पूछ रहे थे कि अपनी ताप्ती नदी कहाँ से निकली है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सिंपल ही आ रहे हैं क्वेश्चन जी के? हाँ सिंपल ही है। साइंस से एक दो क्वेश्चन ही आए बस, उसके अलावा सबसे ज्यादा उन्होंने मतलब इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा उन्होंने अपने देखा मैथ में एसआई परसेंटेज और अपना एसआई सीआई और जो लाभ हानि ये तीन चीजों पे फोकस किया है। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा अपना कोडिंग डिकोडिंग में मतलब छोटा बड़ा एक पैराग्राफ वो था, बाकी का दो पैराग्राफ उसने सिटिंग अरेंजमेंट में दिया था मेन। तो यही सबसे मतलब मेन, और उसी के अंदर उन्होंने मतलब 15 क्वेश्चन पूछे हैं, 15 से 15 क्वेश्चन। जी 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 बहुत। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा अटेम्प्ट किए? 71। सर लेवल कैसा लगा एग्जाम का? लेवल ठीक था। मतलब सर जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जीके का जैसे उन्होंने फतेहपुर सीकरी का पूछा था किसने बनाया, और अखबार का उसका आंसर। सर करंट से क्या आ रहा है? करंट से मतलब 4-5 क्वेश्चन थे। चार पाँच थे सर। संविधान आर्टिकल से कुछ आ रहा है? संविधान से एक क्वेश्चन आया था कि संविधान कब लागू हुआ। इकोनॉमिक्स से नहीं थे। भूगोल से थे। सर मैथ में किस टॉपिक से आ रहा है? मैथ में मतलब ऐसा है कि सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, अगर टाइम मतलब है तो टाइम टेकिंग थे। सरलीकरण से कितने आए थे? सरलीकरण से होंगे 10 क्वेश्चन। सर रीजनिंग में क्या आ रहा है? रीजनिंग में पजल आ रही है। पजल सबसे ज्यादा, अगर मतलब पजल पे कॉन्सेंट्रेट करें तो हो जाएगा। सर इंग्लिश में? इंग्लिश में मतलब वही आ रहा है कि रीअरेंज करने के ज़्यादा आ रहे हैं। तो जैसे कोई है पैसेज भी था 5-6 क्वेश्चन। सर जिन लोगों का आगे एग्जाम आपने क्या बताना चाहेंगे? हम यही बताना चाहेंगे कि जैसे मैं तो रीजनिंग में वो कर रहे हैं, जो उनसे बन रहा है उसको करें, अगर नहीं बन रहा तो आगे बढ़ते जाएं। और इंग्लिश में रीअरेंज वाले क्वेश्चन ज़्यादा करें, बाकी पेपर ईजी था। टाइम अगर मतलब वो अगर कर सकते हैं तो बन जाएगा। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मेरा 84 अटेम्प्ट हो गया। अच्छा अच्छा सर लेवल कैसा था? भाई वीडियो लेवल मुझे मोटेट से थोड़ा ऊपर लगा, यानी टफ की तरफ जाता हुआ। जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए, जीके में क्या आ रहा है? वैसे तो याद नहीं, कुछ सारे सब्जेक्ट से आए थे। मैथ में किस टॉपिक से याद आ रहा है? मैथ में सारे एक एक करके टॉपिक ही पूछे गए। कृषि वाला भी आया था। अच्छा 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 कृषि विभाग फसल वाला ये क्या हो रहा है? हरित क्रांति वाला। सर रीजनिंग में किस टॉपिक से याद आ रहा है? रीजनिंग में पजल्स आई थी। इंग्लिश? और इंग्लिश तो नॉर्मल सा था, उसमें एरर हो गया आपका, पैसेज हो गया। पैसेज वाला भी था। अच्छा 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 अच्छा। इंग्लिश का थोड़ा लेवल कम था मेरे हिसाब से, थोड़ा मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम कम पड़ता है, 15-15 मिनट का सफिशियंट नहीं। सर टाइमिंग के लिए मतलब क्या करें ये बताइए? प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। हाँ जितना हो सके प्रैक्टिस। और मैंने IBPS क्लर्क का कुछ मूक लगाए थे, सेम पैटर्न था, सेम ही लेवल था। अच्छा अच्छा। तो वो थोड़ा कम प्रैक्टिस किया इसलिए मुझे थोड़ा सा वो टफ लगा। अगर मैं 2-3 दिन और प्रैक्टिस करता तो वो और भी अच्छा अटैम्प्ट होता मेरा। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? 59। सर मतलब एग्जाम कैसा गया आपका? बढ़िया गया। अच्छा सर लेवल कैसा था एग्जाम का? लेवल बढ़िया था, लेकिन दिक्कत ये हुई टाइम कमी नहीं था। टाइम था। जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। दूसरा युद्ध आया था। हाँ दूसरा युद्ध। और फिर ऐसे क्वेश्चन थे बस जल्दी याद नहीं आते। करंट में सर करंट कितना था? करंट वाला तो दो ही क्वेश्चन थे। दो ही थे सर। हिस्ट्री क्या? हिस्ट्री अपना इतिहास, उसमें ज़्यादा ध्यान देता क्योंकि टाइम। साइंस से क्वेश्चन थे? साइंस से नहीं था। अच्छा सर मैथ में किस टॉपिक से याद आ रहा है? मैथ में ज़्यादातर घुमाने वाले आते हैं, आते थे जैसे समीकरण देखो क्या। और सर रीजनिंग से किस टॉपिक से आ रहा है? प्रोजेक्ट से लुप्त वाले आते हैं संख्या, उसमें से भी आ रहा है। और सर वो पजल आए थे? पजल पजल भी आते हैं। और एक वो विश्लेषण। हाँ विश्लेषण। और सर इंग्लिश में क्या आ रहा है? इंग्लिश याद नहीं रहता ना, यही जो दिक्कत है। पूरा प्रश्न का याद रहते टाइम कैसे कम था, एक बार देखना पड़ता उसको डायरेक्ट। तो फिर अच्छा अच्छा हो जाता है। सर जिन लोगों का आगे एग्जाम आपने क्या बताना चाहिए? वो अभी से तैयारी अच्छे से करो और समय मैनेजमेंट करो। सबसे बड़ी बात समय की कमी इसमें, बाकी तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप अच्छे से पढ़ाई करोगे लेकिन समय पहले में, जैसे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो जल्दी करने की कोशिश करो, पढ़ो जल्दी और जल्दी समझ के जल्दी करो, नहीं तो दिक्कत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।